अहमदाबाद में रोहित शर्मा ने खेली तूफानी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी। रोहित ने उड़ाए पाकिस्तान के परखच्चे, हिटमैन ने ठोका तिहरा शतक। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने बल्ले का दम दिखाया और पाकिस्तान के गेंदबाजों का पसीना छुड़ाया। पाकिस्तान के सामने भारत को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला और रोहित ने मैदान पर आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने भारत की पारी की पहली ही गेंद पर चौका जड़ा और अपने मंसूबे साफ कर दिए। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने से तो चूक गए, लेकिन अपनी इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान के खिलाफ भी दिखा रोहित का पराक्रम। अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी शतक जड़ने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 86 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। क्या शाहीन शाह अफरीदी, क्या हैरिस रॉफ और क्या शादाब खान, जो भी रोहित शर्मा के सामने आता पिट कर ही जाता। इस पारी में रोहित शर्मा ने 63 गेंदों का सामना किया, 86 रन बनाए, 6 चौके लगाए और उसके साथ ही साथ उन्होंने 6 छक्के भी लगाए। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 136.51 का रहा। अपने इस तूफानी पारी से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की जीत तो पक्की कर दी। इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। लेकिन इन सभी रिकॉर्ड के बीच रोहित शर्मा ने जो सबसे खास रिकॉर्ड बनाया वो है एक अनोखे तिहरे शतक का। रोहित ने ठोका अनोखा तिहरा शतक। पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के दौरान रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल हिटमैन रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में एक अनोखा तिहरा शतक ठोक दिया। रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 छक्कों के महारिकॉर्ड को पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में कुल मिलाकर अभी तक 303 छक्के लगा दिए हैं। अपनी इस पारी में 6 छक्के लगाने के साथ ही अब रोहित शर्मा के वनडे इंटरनेशनल में 303 छक्के हो गए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के इस धुआंधार खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 351 छक्के लगाए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता है क्रिस गेल का। वेस्टइंडीज के इस तूफानी ओपनर ने 331 छक्के लगाए हैं। तो अब तीसरे नंबर पर है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 246 पारियों में 303 छक्के जड़ दिए हैं। रोहित है सिक्सर किंग। रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सबसे ज्यादा 562 छक्के लगाए हैं। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 553 छक्के लगाए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर नाम आता है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 476 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में सिक्सर किंग है। अगर रोहित शर्मा के तीनों फॉर्मेट में छक्कों की बात करें तो वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने अभी तक 303 छक्के लगाए हैं, तो वहीं T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा के नाम 182 छक्के हैं, तो वहीं टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 77 छक्के लगाए हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं और टीम इंडिया को जीत दिलाए जा रहे हैं और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इन कंपनी एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का खिताब जिता पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।